सो हेलो दोस्तों, अभी मैं अपने घर से निकल के बामन डोंगरी बस स्टॉप बामन डोंगरी के पास आया हूँ और मैं यहाँ से करीब 5 किलोमीटर और भी जाना है। तो ये जगह दिखा देता हूँ एक बार, ये एक राउंड देख सकते हैं। तो अभी मैं चलूँगा उस स्थान पे जहाँ पे मैं जाने के लिए घर से निकला हूँ। तो सोच रहा हूँ, चलिए ये ज़रा लंबा रास्ता है तो हम चलते हैं धीरे धीरे। तो इस वीडियो में बने रही और इस वीडियो में बने रही और बताइएगा ज़रूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और चलिए अभी यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, तो वो जगह बताइएगा ज़रूर वो जगह आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं। सो फाइनली मैं डेल्टा टावर के पास आ चुका हूँ। तो आप मेरे एक राउंड दिखा देता हूँ इस जगह को, जहाँ से जाता है न्यू मुंबई को जोड़ता है, जो मुंबई के लिए सीलिंग बोलते हैं, वहाँ से ये जगह देख सकते हैं। ये है डेल्टा टावर। अगर इस जगह में नहीं आए होंगे तो ये वाला रोड जाता है गवन गांव के लिए और दूसरा जाता है 17 के लिए, सेक्टर 17 के लिए। और ये वाला रोड है जो अभी रिलायंस रोड है, जो जियो इंस्टीट्यूट करके कांच का बिल्डिंग है वो वाला रोड है। और ये वाला रोड है जहाँ से हम जाएंगे, नया सीलिंग बन रहा है वहाँ पे। सो गाइस, इसी रोड से हमें आगे जाना है और इसी रोड में वो जगह है जो नवी मुंबई सी लिंक के लिए जुड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों, अगर डेल्टा टावर वाले रोड से अगर आप इस रोड में आते हैं जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये महावीर करके बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, और थोड़े ही दूर में आके आपको यहाँ पे एक चाय वाले भैया दिखेंगे। तो इनसे आके रास्ता जब मैंने पूछा तो इस रोड से अगर जाएंगे तो यहाँ पे आके एक मंदिर भी मिलता है, तो इस रोड से भी जा सकते हैं वहाँ सीलिंग के लिए, लेकिन आगे में पूरे वहाँ तक नहीं जा पाएंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। सीलिंग शायद वहाँ से थोड़ा दूर है, और इस रूट से जाएंगे तो पता चलेगा कि कितना दूर है वो जगह। तो हम ये भैया से पूछ लेते हैं वो जगह कितना दूर है। तो भैया, यहाँ से जो सीलिंग का काम चालू है वो यहाँ से कितना दूर है? बस इधर से आगे जाके हमने थोड़ा लेप लेना है, थोड़ा आगे। अच्छा, कम से कम फिर भी कितना दूर पड़ेगा? 1 किलोमीटर किलो डेढ़। ओके, सीलिंग का काम चालू है जो नवी मुंबई, देख सकते हैं ये वाला जो काम चालू है, अभी नया नया प्रोजेक्ट है। और इसके पीछे का जो लाइन दिखाऊंगा जो यहाँ से सीधा दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ से क्लियर मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ से बहुत लंबा है। ये वाला सीन आपको अगर नावा सिवा वाला रोड में आते हैं तब दिखाई देगा, और मंदिर वाला देखना है तो चलिए हम आपको वहाँ पर ले चलते हैं जो मंदिर वाला रोड है, उसके बाद देखेंगे अगर वहाँ का रास्ता क्लियर रहेगा तो फिर वहाँ तक जाएंगे। सो मिलते हैं वाले रूम। We'll be right back.
फाइनली मैं उस जगह पे आ गया दोस्तों। तो आप इस जगह को देख सकते हैं, जो मेरे बैक साइड जो सीलिंग दिख रहा है, जो नवी मुंबई से मुंबई को जोड़ता है। और फाइनली मैं उस जगह पे पहुंचा जिस जगह को आप लोगों को दिखाना चाहता था। तो आप लोग भी आ सकते हैं इस जगह में, और घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो इस जगह को बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फाइनली मैं तो आ गया, बहुत दिनों से सोचा था कि यहाँ पे आऊँगा, पर मैं यहाँ पे पहुँच गया। तो बता सकते हैं आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे सामने के वीडियो में देख रहे हैं आप NRI जो बेलापुर के पास है, और उसके बगल में ये कुछ उल्वे नोट के सीन दिखेंगे आपको।